अगर आपने हमारे चैनल टेलरिंग इन हिंदी को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और ऑन कीजिए बेल आइकन को, जिससे हमारी हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। नमस्कार, आज मैं आपको बताऊंगी चोली कट ब्लाउज की कटिंग एंड स्टिचिंग। वैसे तो मैंने 2-3-4 वीडियो डाली है चोली कट की, और मैंने आपको कहा भी है कि पहले आप अखबार में चोली की कटिंग कर लें और फिर बाद में आप कपड़े की कटिंग करें। तो इसी तरीके से हमने पहले से ही इसका तीरा और एक चोली की कटिंग करके रखी है। तो आज मैं इस तरीके से आपको बताऊंगी कि तीरा और चोली का आप अखबार पे कटी हुई द्वारा से भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप नए हैं तो आप हमारी जो पहली वीडियो है आप उसमें देख लें कि अखबार पे चोली को कैसे काटते हैं। तो वैसे मैंने आपसे कहा है कि चोली एक बार आप काट लें तो उसको आप छोटी या बड़ी भी कर सकते हैं। अगर आप छोटी चोली बनाना चाहते हैं तो यहाँ से आप इसकी कटिंग कर लें अखबार की। अगर आप बड़ी बनाना चाहते हैं तो आप उसको थोड़ा आगे दोनों साइड से काटेंगे तो बड़ी भी बन जाएगी। तो चलिए अब हम चालू करते हैं। पहले हम ब्लाउज का नाप लेंगे। ब्लाउज को पहले हमें अच्छे से रखना है बराबर करके, और ये हम फुल बाजू का ब्लाउज बना रहे हैं। अब हमारे यहाँ से आरूमल है, यहाँ से हम इसके अच्छे से इसका नाप लेंगे। तो इसका जो चेस्ट का नाप है वो 19 है, और यहाँ से हम इसका पीछे के पल्लू का नाप लेंगे। तो इसकी जो लंबाई है पीछे की वो 14 इंच है। अब हम कपड़े को डबल करेंगे। तो ये हमारा कपड़ा पहले से ही डबल है और ये हमारा यहाँ पे बीच में बंद है। तो हम यहाँ से इसकी लंबाई लेंगे 15 इंच की, क्योंकि 14 इंच है तो 1 इंच हमारा सिलाई में जाएगा। और यहाँ से हम शोल्डर लेंगे इसके 7 इंच के, क्योंकि हम यहाँ पे गले को छोटा बनाएंगे पीछे का। अभी हमने शोल्डर लिए 7 इंच के, और यहाँ से हम इसके आरूमल लेंगे 6 इंच के, और इसको हम इस तरीके से चौकुटा। अब इसके बाद हम यहाँ पे चेस्ट पे निशान लगाएंगे 10.5 इंच पे। अब 1-1 इंच हम यहाँ पे सिलाई के लिए लेंगे। अब हम यहाँ पे गले की जो चौड़ाई लेंगे, गले की चौड़ाई हम 3.25 इंच की लेंगे, गले की लंबाई 4 इंच के, और इसको भी पहले हम इस तरीके से चौकुटा निशान, फिर उसके बाद हम यहाँ पे गोलाई का निशान। अब हम इसकी कटिंग करेंगे। अभी हमारा यहाँ पे आरूमल है, इसमें हम यहाँ से गोलाई का शेप अभी हमारा पीछे का पल्ला कट गया है। अभी हमारा यहाँ पे जो गोलाई का कपड़ा है, ये हमारा गोलाई का जो कपड़ा है, यहाँ पे हम चोली रखेंगे इस तरीके से। यहाँ पे हमारे जो हुक वाली पट्टी है उसकी लंबाई है 3.5 इंच की, और चोली की लंबाई, चोली की जो चौड़ाई है वो 7 इंच की है। चोली की कटिंग मैंने आपको कई बार बताई है, और अखबार पे आप काट के रख सकते हैं, और जब आप ब्लाउज को सिलें तो आप वही कटिंग को यूज भी कर सकते हैं। अब हम यहाँ से इसकी कटिंग करेंगे। यहाँ से इसका हम गला रखेंगे गोल, और इसको हम यहाँ से ½ इंच ज्यादा रखेंगे। अभी हमारे चोली की कटिंग हो गई है। अब इसके बाद हम यहाँ से ये तीरे का जो शेप है इसको हम देख लेंगे, ये बराबर है। अब यहाँ पे ये तीरे को रखेंगे हम, तो इसको हमें जो चोली हमारी इसको हमें इस तरीके से रखना है। अब हम यहाँ से इसका नाप लेंगे, ये हमारा आरूमल है यहाँ से। तो ये इसकी जो चौड़ाई है 10.5 इंच की है, तो बराबर है। यहाँ पे हमारा 1/2 इंच सिलाई में चला जाएगा,
तो हमने इसको अंदर की साइड रखा है। अगर हम इसको इस तरीके से रखेंगे तो इसकी जो चौड़ाई हो रही है 11.5 इंच की, तो इस तरीके से आप तीरे को रख के नाप सकते हैं कि आपको कितनी गुंजाइश रखनी है। तो हम यहाँ पे तीरा, तीरे की जो चौड़ाई 4.5 इंच की है तो इसी के बराबर हम ये तीरे को काटेंगे। अगर आप अखबार पे एक बार सही से चोली को काट लेंगे तो आप उसी को यूज करके द्वारा चोली कट ब्लाउज छोटी या बड़ी चोली काट सकते हैं। अगर आप तीरे की चौड़ाई ज्यादा रखना चाहें तो यहाँ से आप तीरे की चौड़ाई ज्यादा भी ले सकते हैं। अभी हमारा यहाँ से तीरा हो जाएगा। अब हमें नीचे का तीरा निकालना है। नीचे का तीरा हम 10.5 इंच की चौड़ाई रखेंगे। यहाँ से हमारा एक कटा हुआ है तो हम दूसरी साइड से निकालेंगे। यहाँ से निकालेंगे हम तीरे को, तो यहाँ पे हम तीरे की चौड़ाई रखेंगे 10.5 इंच की। यहाँ पे निशान लगा लेंगे और तीरे की लंबाई 5 इंच की। अब हमारे तीरे की जो चौड़ाई है 10.5 इंच की और इसकी जो लंबाई है 5.5 इंच की, तो यहाँ पे हम 5.5 इंच रखेंगे और इधर की साइड हम 4.5 इंच पे निशान लगा लेंगे। इसको हम इस तरीके से शेप में निशान लगाएंगे। अब हम इसकी कटिंग करेंगे। अब ये हमारा नीचे का तीरा हो जाएगा। अब हम बाजू की कटिंग करेंगे। अब ये हमारी बाजू की लंबाई है 20 इंच की, तो हमने 21 इंच लिया है। 1 इंच हमारा सिलाई में जाएगा और एक कपड़े की जो चौड़ाई है वो 17 इंच की है, तो हम इसको डबल करेंगे। पहले से एक बार ये डबल है दोनों बाजू है, अब हम इसको डबल करेंगे। इसके बाद अब हम यहाँ से इसके बाजू की कटिंग करेंगे, तो यहाँ से हम 2 इंच की लंबाई रखेंगे और इसको हम इस तरीके से तिरछा करेंगे जिससे हमारी ये बाजू की कटिंग होगी। अब हमने तिरछा किया है 7 इंच पे। अब इसकी मोरी की कटिंग करेंगे, तो यहाँ से हम इसकी मोरी रखेंगे 6.5 इंच की। 6.5 इंच पे हम ये निशान लगा रहे हैं। 5 इंच की हमारी मोरी है, यहाँ पे हम 1 इंच सिलाई में दबाएंगे। अब हम यहाँ से इसकी कटिंग करेंगे। यहाँ से हम इसको अच्छे से बराबर अभी हमारी चोली कट ब्लाउज फुल बाजू का कट गया है। अब मैं आपको इसकी स्टिचिंग अगली वीडियो में बताऊंगी। हमारी वीडियो स्टिचिंग की आप जरूर देखें। अगर आपको हमारी चोली कट ब्लाउज की वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।